विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझे क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, आगे मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको तौर पर सिखाते हैं HDI, क्या कहते हैं HDI। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश का मानव मतलब मनुष्य कितना ज्यादा डेवलप किया है, तो इसे यह पता चलता है कि किसी देश का नागरिक कितना ज्यादा डेवलप हुआ है, समझ गए, मतलब डेवलपमेंट के मामले में किस देश का कौन सा स्थान है। तो अब आपके मन में यह उत्सुकता होगा कि भारत का क्या स्थिति है, भारत ऊपर में है कि नीचे में है, तो भारत बहुत नीचे है, इसमें विकास के मामले में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, समझ गए, विश्व स्तर पर विकास के मामले में हम लोग क्या है पिछड़े हुए हैं। अभी 2022 का यह जो सूची जारी हुआ है उसमें भारत का पोजीशन 132वां है, समझ गए, 2022 में जो सूची जारी किया गया है उसमें भारत 132वां नंबर पर है, और समझ लीजिए कि हमारा देश जनसंख्या में कैमा नंबर पर है, जनसंख्या में नंबर वन पर आ गया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है, समझ गए, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपना देश जो भारत है वह कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, बहुत अच्छा, अपना देश जो है 7वें नंबर पर है, तो देखिए जनसंख्या में नंबर वन, क्षेत्रफल में नंबर 7 पर है, पर विकास के मामले में कैमा पर है 132वां, तो बहुत खराब स्थिति है कि नहीं, खराब ही नहीं स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है, शर्म वाली बात है कि नहीं, हमारा देश विकास के मामले में 132वें नंबर पर है, समझ गए 132वें नंबर पर। अब आपके आपके मन में हो रहा होगा कि आखिर कौन सा चीज है जिससे इसका जांच किया जाता है ना, कोई आदमी कितना डेवलप हुआ, इस चीज का जांच करने का कौन सा पैमाना है, कौन सा औजार है, कौन सा मशीनरी है जिसके आधार पर मानव के विकास का पता लगाया जाता है कि किस देश का आदमी कितना डेवलप हुआ है। तो इसका 3 वो इंडेक्स है, समझ गए, 3 चीजों पर इसका जांच किया जाता है, और उस 3 चीज में जिस देश की स्थिति बहुत अच्छी है वह ऊपर गया, और उन 3 चीजों में जो पिछड़ गया वह क्या हुआ, वह इसका मतलब बहुत नीचे आया। वह 3 चीज कौन है सो देखिए, पहला है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, क्या है पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना लोगों का। अब जैसे दुनिया के अन्य देश जो है वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है ना, एक महीना में लाखों रुपया कमाते हैं, अपने यहाँ भी लाखों कमाने वाले हैं, अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग लाखों कमाते हैं, पर बहुत सारे लोग तो घर में भी बैठते हैं, बेरोजगार भी है, कुछ नहीं कमाते हैं, ऐसा है कि नहीं, तो एवरेज तो कुछ होगा ना, अब कोई आदमी 1 लाख का महीना कमा रहा है, कोई आदमी 500 का महीना कमा रहा है, तो एवरेज तो घट जाएगा है ना, क्या होगा घट जाएगा, तो किसी भी देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है, यह पहला पैमाना है, है ना, अगर आय ज्यादा होगा तो वो देश ऊपर में आएगा, रैंकिंग जो होगा उसका उसमें ऊपर रहेगा, और जिस देश का आय प्रति व्यक्ति कम होगा वह क्या होगा नीचे में रहेगा, समझ गए, तो इसका पहला पैमाना है आय। दूसरा है नामांकन का दर, नामांकन प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां के जितने बच्चे हैं उसमें कितने प्रतिशत बच्चे नामांकित है स्कूल में, शिक्षा से भी तो विकास का मतलब है ना, मान ली किसी देश का 100% आदमी साक्षर है मतलब एक भी अनपढ़ नहीं है, और किसी देश का 85% व्यक्ति साक्षर है, इसका मतलब 50% निरक्षर है, तो अच्छी स्थिति नहीं है, आखिर किसी देश में उससे भी कम साक्षर है, तो विकास के मामले में इसको भी एक पैमाना माना गया है।
नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। तो शिक्षा का भी एक इसमें योगदान है, कोई भी देश कितना डेवलप हुआ है इसमें क्या है, एक शिक्षा का भी योगदान है। पहला है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मतलब इनकम के हिसाब से वो पहला नंबर पर आ रहा है पूरी दुनिया में। दूसरा है नामांकन का प्रतिशत, मतलब वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने के उम्र में है उसमें कितना प्रतिशत बच्चा पढ़ा हुआ, मैंने स्कूल में नामांकित है। अगर अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चा ज्यादा है, आउट ऑफ स्कूल समझते हैं ना, मतलब स्कूल से बाहर जो बच्चा है, जो बैसी चला रहा है, पोखरी में नहा रहा है, खेल कूद रहा है पर स्कूल नहीं जा रहा है, उसको क्या कहें आउट ऑफ स्कूल कहते हैं, मतलब आउट ऑफ स्कूल। तो अगर किसी देश में मान लीजिए 100% बच्चा, मतलब 100 में 100 बच्चा, 100% बच्चा अगर स्कूल में आ गया तो क्या हुआ, बहुत अच्छी अच्छी स्थिति होगी, होगी कि नहीं। तो इसका भी एक इसमें पॉइंट मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI में, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं मानव विकास क्षमता, इसमें दूसरा नंबर पर जहाँ होता है नामांकन प्रतिशत का, समझे। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, तीसरा है जीवन प्रत्याशा, है ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने का एवरेज आयु। अब जैसे किसी देश में लोग एवरेज औसत आयु 50 साल जीते हैं, और किसी देश के लोगों का औसत आयु 70 साल है, किसी देश के लोगों का जीने का औसत आयु 80 साल है, तो कौन अच्छा होगा, 80 साल वाला अच्छा है ना, 50 साल वाला अच्छा, 80 साल वाला अच्छा, क्यों, क्योंकि 80 साल का मतलब ये हुआ कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत डेवलप है, मेडिकल सिस्टम समझते हैं ना, चिकित्सा व्यवस्था वहाँ का बहुत डेवलप है, जिसके कारण अगर खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी लोगों को हो जाती है तब भी लोग बच जाते हैं, मरने से बच जाते हैं। और जहाँ का मेडिकल सिस्टम डेवलप नहीं है वहाँ क्या होगा, वहाँ छोटा मोटा बीमारी भी होगा तो लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे। और जो जैसे अमेरिका, अमेरिका में चाहे जितना भी खतरनाक बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, पर वहाँ उसका इलाज संभव है, वहाँ पर इलाज होता है और लोग मरने से बच जाते हैं। पर भारत जैसा देश, ऐसे भी पिछड़ा हुआ देश सब है जो छोटा मोटा बीमारी में भी अपने मरीजों को नहीं बचा पाता, जो मर जाते हैं, समझ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम डेवलप नहीं है। तो एक विकास का ये भी सूचक होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए ना जांचने का कि कोई देश कितना विकास किया, इसके लिए वहाँ का मेडिकल सिस्टम भी जिम्मेदार, समझ गए। तो तीन सूचक हुआ इसका, पहला क्या हुआ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब लोगों की पर कैपिटा इनकम मतलब सालाना इनकम कितना है। दूसरा हुआ नामांकन प्रतिशत, मतलब 100 में कितने बच्चे स्कूल के अंदर हैं और कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, समझ गए। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन जीने का औसत आयु, कितने लोग मतलब यहाँ के लोग कितना औसत उम्र तक जिंदा रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि वह देश कितना डेवलप है। तो भारत इन तीनों पैमाने पर बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय में भारत बहुत पीछे है, नामांकन प्रतिशत में भी यहाँ मात्र 74% लोग साक्षर है, आजादी का 70 से ज्यादा साल बीत गया पर अभी भी यहाँ पर 1/4 से ज्यादा लोग निरक्षर है, 74% ही साक्षर है, 26% लोग अभी भी निरक्षर है भारत में, तो खराब स्थिति है। इसीलिए देखिए कितना नंबर पर है, 132वां पर है। और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, जापान के लोग लगभग 72-73 साल तक जिंदा रहते हैं और अपने देश में 65-66 के करीब जीवन प्रत्याशा है, 65-66 ही औसत आयु में भारत में। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है यहाँ का उतना डेवलप नहीं है।